Cracker somewhere, bro. बोले तो बारूद निकला ही नहीं. घंटे का आविष्कार आज से लगभग 4000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया था. अपने उन्हीं पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घंटे के बटन को भक्ति भाव से दबाएं और मेरे वीडियोस की जानकारी मुफ्त में पाएं. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप यार? तुम्हारा नहीं पता पर मैं तो एक्साइटेड हूँ. आई एम जस्ट टू एक्साइटेड टुडे बिकॉज इट इज दिवाली. एक्साइटमेंट का एक और रीजन है एंड दैट रीजन इज इट इज दिवाली. एंड यू कैन सी आई इवन चेंज द होल सेट बिकॉज इट इज दिवाली. ओ हीरो, क्या हो गया? मत कर नहीं तो पिक्चर बन जाएगी, पुलिस उठा जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में बच्चे नहीं होंगे तेरे. अरे पर क्यों? अबे थाने में रहेगा तो बच्चे कैसे होंगे? अरे वो नहीं यार, पुलिस क्यों रुकेगी इसमें? भैया कौन सी दुनिया में रहते हो? सुप्रीम कोर्ट, पटाखे, बैन, बोलो तारा रारा. दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि दीपावली के समय सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी की जाएगी. इस फैसले के बाद से देश के लोग 2 हिस्सों में बट गए. एक हिस्सा डिसीजन के सपोर्ट में है और कह रहा है कि नो ब्रो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कूल डिसीजन लिया है. आई मीन क्रैकर्स आर बैड, यू नो, दे क्रिएट पोल्यूशन एंड द डिसीजेस एंड द नॉइस. माय गॉड, आई हेट द साउंड. मेरे हिसाब से तो 2 घंटे भी फोड़ने नहीं देना चाहिए. मैं तो कभी फोड़ता ही नहीं हूँ क्रैकर्स. आई हैवंट इवन सीन देम. मैं तो सिर्फ ये पेपर बॉम्ब फोड़ता हूँ. आई लव द नॉइस. वही दूसरा हिस्सा जो पटाखों से प्रेम करता है और सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा नाराज है, वो ये कह रहा है हमारे तो समझ में आ रहा है फैसला, एकदम गोबर फैसला है ये. बोले कि पटाखों से प्रदूषण होता है. कौन सा प्रदूषण होता है भैया, तुम बताओ? बचपन से पटाखे फोड़ रहे हैं हम, आज तक एक आदमी ने मारा? संस्कृति, संस्कृति है, विरासत है, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, सब कुछ है. बागबान, बागबान है हमारे भैया. हम तो फोड़ेंगे फटाके यार, ऐसा नहीं होता यार. धार्मिक भावना हाथ हो रही है हमारी यार. इतनी सारी बातें, इतना सारा पंगा सिर्फ इनके लिए. बट डू यू नो ये मुसीबत आई कहाँ से? कुछ लोगों का मानना है कि फायरवर्क का इन्वेंशन इंडिया में हुआ, लेकिन काफी सारे लोग इसका क्रेडिट चाइना को देते हैं. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि 8वीं शताब्दी में चाइना के कुछ लोग अमृत बनाने की कोशिश कर रहे थे. अमृत तो नहीं बना, लेकिन उस रेसिपी से जो केमिकल बना वो था क्रूड गन पाउडर. बोले तो बारूद. ब्रो पता है अमृत क्यों नहीं बना? क्योंकि उन्होंने चाइना का माल इस्तेमाल किया था. बारूद से चाइनीज ने क्रैकर बनाना शुरू किए और वो मानने लगे कि इन क्रैकर्स के एक्सप्लोजन से बुरी आत्माएं भाग जाती है. मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि भारत में फायरवर्क्स सन 1400 से एग्जिस्टेंस में आए. रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1443 में पर्शियन एम्बेसडर रज़ाक जब भारत के विजयनगर आए थे तो उनके स्वागत में आतिशबाजी की गई थी. 16th और 17th सेंचुरी की पेंटिंग सजेस्ट करती है कि फायरवर्क्स वर पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, लेकिन उस समय पटाखे महंगे होते थे इसलिए सिर्फ राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए उन्हें जलाया जाता था. मुगलों के राज में औरंगजेब ने क्रैकर्स पर बैन लगा दिया था, सेइंग दैट इट इज अ हिंदू रिचुअल एंड शैल नॉट बी प्रैक्टिस्ड एनीमोर. पर बाद में क्रैकर्स फिर से वापस आ गए. ब्रो पता है पटाखे वापस क्यों आ गए? क्योंकि क्रैकर्स हमारे ब्रो. हालांकि दिवाली और क्रैकर्स का रिश्ता 16th और 17th सेंचुरी से चला आ रहा है, लेकिन इस रिश्ते को पॉपुलैरिटी मिली 1900s में. 1920s तक कलकत्ता की माचिस बनाने वाली इंडस्ट्री में फायरवर्क बनते थे, लेकिन 1940 में अय्या नादर और षणमुख नादर नाम के कजिन्स ने तमिलनाडु के शिवकाशी में पहली फायरवर्क फैक्ट्री एस्टैब्लिश की और पटाखों का बिजनेस शुरू किया. बिजनेस इतना तेजी से बढ़ा कि 1980 तक शिवकाशी में पटाखों की लगभग 190 फैक्ट्रीज हो गई थी. शिवकाशी देश का क्रैकर हब बन चुका था और यहां से अफोर्डेबल प्राइसेस में पूरे देश में पटाखे भेजे जा रहे थे. अब हर कोई पटाखे खरीद सकता था और दीपावली पर धमाके कर सकता था. ठीक है, पर पटाखे फोड़े कि नहीं फोड़े ये तो बता. इस बात से सब सहमत है कि पटाखे ना सिर्फ दीपावली बल्कि हमारे सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन चुके हैं. और ये भी सब जानते हैं कि पटाखों से पॉल्यूशन होता है, बीमारियां होती है. तो इस डिबेट का सिर्फ एक प्रैक्टिकल कंक्लूजन निकल सकता है और वो ये है कि पटाखों का इस्तेमाल बहुत समझदारी से किया जाए. ये कहना कि पटाखों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग टू से, क्योंकि आज भी क्रैकर इंडस्ट्री की वजह से काफी लोगों का घर चल रहा है. और मानो या ना मानो क्रैकर्स हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन ट्रेडिशन और धर्म का बहाना बनाकर इतने पटाखे भी ना फोड़े कि ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए लोग जिंदा ही ना बचें.
अरे नहीं मरेंगे ब्रो, सब अमर है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब पटाखे फोड़ना है या नहीं फोड़ना है ये तुम डिसाइड करो। डिसीजन लेने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि पटाखे फोड़ना चाहिए या नहीं फोड़ना चाहिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी, माय नेम इज आकाश, थैंक्स टू माय टीम, यू गाइस आर इनक्रेडिबल, ओके बाय।